स्टडी आई क्यू आई एस अब तैयारी हुई अफोर्डेबल वेलकम टू स्टडी आई क्यू दिस इज अमित वारी द किलोर वी आर डूइंग मॉडर्न हिस्ट्री ये लेक्चर नंबर फाइव है जिसमें हम स्पेक्ट्रम नाम की जो किताब है विच इज नॉर्मल रेफरेंस बुक फॉर द सिविल सर्विसेज उसको कवर करने की कोशिश कर रहे हैं एज आई टेल यू इन एवरी लेक्चर वी नीड टू स्टार्ट विद द मॉडर्न इंडिया ओल्ड एनसीआर को हम अपना सेंट्रल पिलर बना के पहले वहां से पढ़ेंगे विल गेट द कॉन्टेक्सट ऑफ द इन्फॉर्मेशन फ्रॉम दियर उसके बाद हम स्पेक्ट्रम को यूज करेंगे रिवाइज करने के लिए स्पेक्ट्रम से डायरेक्टली पढ़ेंगे तो बेसिकली कोई भी चीजें याद नहीं होंगी विल नॉट बी एबल टू राइट आंसर विल नॉट बी एबल टू सॉल्व प्रिलिम्स क्वेश्चन इफ द स्पेक्ट्रम इज एज ए डायरेक्ट सोर्स डायरेक्ट सोर्स यूज नहीं करना है यूज करना है ओल्ड एनसीआर और न्यू एन को एज ए सोर्स एंड द स्पेक्ट्रम इज बेसिकली मोर ऑफ ए रिविजन काइंड ऑफ सोर्स जो कि असविजन के लिए यूज होगी अब हम स्पेक्ट्रम के अंदर चैप्टर नंबर फाइव से बिगिन किया एक्चुअली स्टार्ट विद दर नंबर विदर फाइव ऑफ द स्पेक्ट्रम चैप्टर नंबर फाइव जो है एक्सपेंशन एंड दंसॉलीडेशन ऑफ द ब्रिटिश इंडिया और उसका एक सिंपल सा प्रोसेस है कि uh, ब्रिटिशर्स uh, ने हमारी जो रीजनल पावर्स उनको कैसे पावर uh, उनके ऊपर कैसे कैसे पावर गेन किया था सो वी स्टार्ट विद द बंगाल देन इज इज एंग्लो मराठा स्ट्रगल सिंध और द एंग्लो सिख वॉर अब 1750 से लेके 1850 के बीच में ब्रिटिशर्स वर एबल टू कंसोलिडेट कंसॉलिडेट एन ऑलमोस्ट होल ऑफ इंडिया इस प्रोसेस में दो चीजें इंपॉर्टेंट है सबसे पहले जो उनका वॉ जो उनकी कॉन्कर काउंकरिंग जो हुई है जो उनकी कंसोलिडेशन हुई है दैट वॉज ऑबली डू टू वॉर्स। सो हर रीजनल पावर्स के साथ वो एंगेज किया करते थे पर्टिकुलर वॉर में एंड एज द हिस्ट्री सेज इट ऑलमोस्ट एवरी सिंगल वॉर वॉज द फाइनल वॉर एट ऑफ एवरी सिंगल वॉर वॉज एक्चुअली वन बाय देन वो जीत गए और वो बेसिकली पैन इंडिया पावर बन गए लेकिन इसके साथ साथ एक और एस्पेक्ट होता है रिलेटेड टू द एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी उनकी एक्सपेंशन की एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी क्या थी राइट right? तो वन इज दी एस्पेक्ट जो कि प्रैक्टिकल ऑन फील्ड एस्पेक्ट था थ्रू दी वॉर्स एंड अनदर इज बेसिकली दियोरिटिकल पार्ट और वट काइंड ऑफ पॉलिसीज द ब्रिटिशर्स यूज टू फॉलो सो एक क्वेश्चन अगर मेन्स में आपके पास आए स्ट्रेट फॉर्वर्ड सर्टन क्वेश्चन तो आएंगे माइसोर पे मराठा पे अलग क्वेश्चन आ सकता है बट देन देर आर अदर क्वेश्चन जैसे कि वट आर द एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज फॉलोड बाई ब्रिटिशर्स टू एक्सपैंड एंड कंसॉलिडेट द रूल इन इंडिया एंड उसके उसमें हम ये स्पेसिफिकली जो पर्टिकुलर उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज है वो पढ़ते हैं नाउ इनकी सिर्फ तीन एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज़ पढ़नी है नंबर वन इज़ पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस सेकेंड वन इज सब्सिडरी अलायंस एंड द थर्ड इज़ द डॉक्टर इन ऑफ लैब्स दो इंपॉर्टेंट है इसमें सब्सिडरी अलायंस एंड द डॉक्टर इन ऑफ लैब्स दोनों के जब भी हम कोई भी आ, ये एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी पढ़ेंगे तो सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी है इसका मतलब किसी ने एडमिनिस्ट्रेशन में डिसीजन लिया था ये सो वी नीड टू नो कि कौन सी पॉलिसी कौन से उस समय के गवर्नर जनरल से एसोसिएटेड है ट इज ए नेसेसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर सेकेंड इंडिया का कौन सा पार्ट या कौन सा हिस्सा या कौन सी रीजनल पावर किस एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी के द्वारा एनेक्स की गई थी ये दो एस्पेक्ट जो है वो प्रिलिम्स की तरफ से हमें याद कर रहे हैं सो लेट स्टार्ट विद डेट बट बिफोर वी बिगिन एल जस्टेल यू समथिंग रिलेटेड टू द लाइफ फाउंडेशन कोर्स अगर आप यूपीएससी दो हजार तेईस या दो हजार चौबीस के प्रिलिम्स और दो हजार मेन्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं स्टडी आई क्यू हैव अ लाइव फाउंडेशन बैच फॉर यू जिसके अंदर प्रिलिम्स और मेन्स के लिए आपकी लाइव क्लासेस होंगी नाउ वी आर स्टार्टिंग अ बैच फ्रॉम द एम इन द मॉर्निंग जो कि ग्यारह जुलाई दो हजार बाईस से बिगिन होगा सो द पीपल हु लाइक्स टू स्टडी जिनको ये जिनका प्रिंसिपल ये है कि सुबह जितनी जल्दी क्लास हो जाएगी उतना ज़्यादा हमें समय मिलेगा पढ़ने के लिए दिस बैच इज स्पेसिफिकली फॉर दैम एंड रादर पीपल हु वॉन्ट्स टू डेवलप द डिसिप्लिन कि सुबह उठ के जल्दी से पढ़ाई करने का जो डिसिप्लिन है अगर वो डिवलप करना चाहते हो तो ये बैच आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है ना द प्रोसेस ऑफ ज्वाइनिंग द बच इज रिमेंडसली वेरी वेरी ईजी आप सिंपल स्टडी आई क्यू की वेबसाइट पर जैसे ही जाएंगे स्टडी आई क्यू की वेबसाइट पर जाते हैं तो यूपीएससी के कोर्सेज में जाके जैसे आप क्लिक करेंगे आपको वहां पर कोर्स का ऑप्शन मिल जाएगा यूपीएससी फाउंडेशन मॉर्निंग बैच बिकॉज एट एम सो इट इज बैच आप इस मॉर्निंग बैच पर क्लिक शो यू फॉर ट्वेंटी एडमिशन लेने के लिए इस पर बाय नाउ क्लिक करेंगे तो ये प्रोमो कोड वाले ऑप्शन पे जाके आप एंटर कर दीजिए अमित लाइव मोमेंट यू अप्लाई ऑन इट द कोर्स विल एक्चुअली ओनली कॉस्ट्यू एटीन थाउजेंड नाइन हंड्रेड नाइन्टी नाइन इस कोर्स में अगले अट्ठारह महीने तक आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी जिसमें आपको जी एस जब जनरल स्टडीज का पेपर वन ऑफ प्रेल्स एट दी सेट एंड जनरल स्टडीज के जो चारों के चारों पेपर हैं मेंस के वो सारे के सारे कंप्लीटली लाइव क्लासेस के द्वारा कराए जाएंगे यू विल गेट वन टू वन मेंटरशिप ताकि कंसिस्टेंटली आपकी पूरी प्रिपरेशन के दौरान आपको गाइडेंस मिलती रहे आंसर राइटिंग प्रोग्राम इसके लिए होगा यानी कि हम हाँ जब भी क्लासेस होंगे फैकल्टी विल गिव यू क्वेश्चन यू विल राइट दी आंसर्स एंड विल सेंड इट टू योर मेंटर्स टू गेट इवेल्यूएशन देन दिल बी ए प्रिलिम्स टेस्ट सीरीज इन्क्लूडेड इन दिस द पॉइंट हेर इज दैट यू वी डोंट नीड टू गो इन टू द फीचर्स ऑफ द प्रोग्राम द आइडिया इज क्वाइट सिंपल अगर आपको दो हजार तेईस का प्रिलिम्स क्लियर करने में इंटरेस्ट है एंड यू नीड जस्ट वन सिंगल सोर्स ऑफ गाइडेंस कि कोई मुझे बेसिकली गाइड कर दे इंस्ट्रक्शंस दे दे आई विल वर्क हार्ड ऑन माई ओन बट समबड़ी शेल दे बी जस्ट टू हेल्प मी

एक्सपेंशन और कंसोलिडेशन का जो ब्रिटिशर्स का जो सत्रह से अट्ठारह तक चला था दो तरीके से चला था ठीक है एक तो पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन बाई कॉन्क्वेस्ट और वॉर यू डायरेक्ट वॉर करें रीजनल पावर्स से प्रिंसेस से किंग्स के साथ यू डिफीट दम इन दी वॉर एंड तुम उनके पूरे के पूरे टेरिटरी को अनेक्स कर लो दैट इज वन स्ट्रैटेजी जो कि हमने पहले चारों लेक्चर में बंगाल माइसोर मराठास पंजाब के कॉन्टेक्स्ट में देखी देन दूसरी पॉलिसी थी अनेक्सेशन की जो कि डिप्लोमेसी या एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म से की गई थी जैसे कि वॉरन हिस्टिंग की एक पॉलिसी है रिंग फेंस पॉलिसी वेल्सली की पॉलिसी है सब्सिडरी अलायंस और डल की पॉलिसी है डॉक्टरी ऑफ लैब्स जिसने बेसिकली ब्रिटिश एम्पायर को पूरे के पूरे इंडियन सब में बढ़ावा दिया था नबरी रिमेंबर ये तीनों के तीनों नाम याद रखेंगे कि कौन सी एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी कौन से गवर्नर जनरल ने

क्वायर कर लेते थे तो उसके चारों तरफ जो जो पावर्स होती थी या जो जो किंगडम्स होते थे जो जो प्रिंसली स्टेट्स होते थे उनसे किसी तरीके का सब्सिडरी अलायंस कर लेते थे सो दैट एनीबडी बिफोर अटैकिंग ब्रिटिशर्स हैज टू पास थ्रू दैप एंड दे यूजली टू बी ईधर सब्जर्वियंट टू द ब्रिटिशर्स या फिर बेसिकली उनके फ्रेंडली रिलेशन पे सो वॉरन हेस्टिंग्स स्टार्टेड दिस काइंड ऑफ पॉलिसी इट वॉन्टेड टू क्रिएट बफर जोन्स टू डिफेंड द कंपनीज फ्रंटियर्स सो so, जब भी किसी भी आ, पावर से एंगेज करते थे जब भी किसी भी पावर से वॉर करने की स्टार्ट करते थे सो दे ऑलवेज इन्श्योर्ड कि कंपनी के जो कंपनी की टेरिटरीज हैं कंपनी यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी की जो टेरिटरीज हैं और जो एनिमी रीजनल पावर्स जिनके साथ वो इस समय वॉर कर रहे हैं उनके बीच में एक बफर जोन क्रिएट रहे सो दैट दे कैन अटैक्ट द एनिमी रीजनल पावर्स वेरी इजिली बट द एनिमी रीजनल पावर्स कांट एक्चुअली अटैक द कंपनी टेरिटरीज एटलीस्ट

आइडिया क्या होता था कि दो भी स्टेट्स वर ब्रॉट अंडर द रिग रिक्स उनको मिलिट्री असिस्टेंस की प्रॉमिस कर देते थे ब्रिटिशर्स एटलीस्ट सो सिंपल तरीका है ये ब्रिटिशर्स की टेरिटरी है इसके बीच में कोई दूसरी टेरिटरी है एंड दिस इज द थर्ड टेरिटरी जिस जिसपे ब्रिटिशर्स की नजर है तो इनके साथ किसी प्रकार का अलायंस करते थे एज इन काइंड ऑफ ए बफर जोन स्टेट रहे विद द प्रॉमिस कि अगर तुम्हारे ऊपर एक्सटर्नल अग्रेशन होगा देन वी विल एक्चुअली एड यू तो ये ब्रिटिशर्स की टेरिटरी हो गई नाउ दिस थर्ड लेट से कि ये माइसो टेरिटरी है, है? ठीक माइसोर वाले जब भी निजाम के ऊपर अटैक करेंगे क्योंकि दे कांट गो टू विल अटैक माइसोर ऑन दी ऑन दी प्रिंसिपल की वी हैव ऑलरेडी प्रोमिस्ड दैन एक्सटर्नल हमें हमने कहा था एक्सटर्नल एग्रेशन करेगा तो वी विल एक्चुअली हेल्प द सो दिस ज पॉलिसी जो कि मराठाज और माइसोर के साथ सो यू रिमेंबर कि रिंग फेंस पॉलिसी किन दोनों के ऊपर अटैक किन दोनों के ऊपर अप्लाई की गई है माइसोर स्टेट के साथ और मराठा एम्पायर के साथ लेकिन वही था कि एक्सटर्नल अग्रेशन के लिए मिलिट्री असिस्टेंस तो मिलती थी बट स्टेट को दे हैज टू मेंटेन दे हैज टू पे टू मेंटेन द मिलिट्री फोर्सिस तो इस स्टेट में अंग्रेजी सैनिक हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्मी के सैनिक हैं और उनकी पेमेंट कौन कर रहा है जो बफर स्टेट है

मतलब कि उसमें डिप्लोमेटिक प्रेशर था उसके अंदर एक्सटर्नल अफेयर्स को भी मेंटेन कर लिया जाता था और जो मिलिट्री ब्रिटिशर्स मैनेज किया करते थे उसकी पेमेंट तो बेसिकली रीजनल स्टेट करती ही करती थी देखो सब्सिडरी अलायंस सबसे ज्यादा यूज किया गया था लॉर्ड वेल्सली के द्वारा सब्सिडरी अलायंस में क्या करते थे इंडियन स्टेट जो भी ब्रिटिशर्स के साथ सब्सिडरी अलायंस में आती थी उनके पास कुछ प्रोविजंस होते थे दे यूज टू कीप ब्रिटिश फोर्स विद इन देयर टेरिटरी एंड पे अब्सिडी फॉर इट्स उनकी कोर्ट में एक ब्रिटिश रेजिडेंट रहता था डिप्लोमेट. Kind of वो कोई भी दूसरी यूरोपियन पावर के किसी भी इंडिविजुअल को एम्प्लॉय नहीं कर सकते थे तो इससे ब्रिटेन को मोनिपली मिलती रही दे could नॉट नेगोशिएट विद एनी अदर इंडियन रूलर अब उनके एक्सटर्नल अफेयर्स थे वो कंसिस्टेंटली सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिशर्स के हाथ में चले गए और बेसिकली ये था कि इन रिटर्न द ब्रिटिशर्स वुड बेसिकली डिपेंड

You, you know, uh, this point, right? कि इंडिया हम अगर बात करें ब्रिटिश इंडिया के बारे में सो देर आर टू पार्ट ऑफ इंडिया एट दैट टाइम दो प्रकार के टेरिटरीज है एक तो जो ब्रिटिश डायरेक्टली रूल कर रहे हैं जो कि वॉर से अनेक्स किया गया है सो मराठा एम्पायर माइसोर एम्पायर बंगाल देर आर डायरेक्टली बिंग रूल देर आर स्मॉलर स्टेट्स सम स्टेट्स जिसको ब्रिटिश रूल नहीं करते हैं उनके साथ सब्सिडरी अलायंस साइन कर लेते हैं एंड सब्सिडरी अलायंस का क्या मतलब है लुक एट इट अगर इसको इसके प्रोविजन देखेंगे सो so वो स्टेट सिर्फ और सिर्फ नाम नाम की थी ब्रिटिश फोर्स उसकी टेरिटरी में है ठीक है जो सिंधिया होल्कर्स ने जो माइसोर स्टेट के राजा ने बाद में साइन की थी सिंधिया और उनकी स्टेट में ब्रिटिश है ब्रिटिश रेजिडेंट उनके कोर्ट के अंदर है किसी और यूरोपियन को बेसिकली एम्प्लॉय कर नहीं सकते हैं किसी और रूलर के साथ वो नेगोशिएट मतलब दि इज नो एक्सटर्नल अफेयर्स सॉवरनिटी इन्वॉल्व ही नहीं है ब्रिटिशर्स पैरामाउंसी है वहाँ पे और ब्रिटिश बेसिकली एनिमीज उनको डिफेंड करेंगे बट ब्रिटिश किससे डिफेंड करेंगे खुद से डिफेंड उन्हीं की आर्मी है वही वन आर ए वाली है तो वेल्सली इज बेसिकली पॉजिबल जो कि सब्सिडरी अलायंस के लिए सबसे ज्यादा फेमस है अब पहले इस परिलिम्स का एक क्वेश्चन है जो इस सब्सिडरी अलायंस का जो आइडिया था ये ब्रिटिशर्स की बजाय फ्रेंच ने इन्वेंट किया था तो ड्यूप्लिक्स जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी है तो आपने रॉबर्ट क्लाइव का नाम सुना होगा रॉबर्ट क्लाइव ही वॉज दी पर्सन हु वन दी बैटल ऑफ लासी एंड बेसिकली लेट द फाउंडेशन ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर राइट एट द सेम टाइम अप्रोक्सीमेटली विद द सेम रॉबर्ट क्लाइव का ही बेसिकली पैरल में जब फ्रेंच जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी तो फ्रेंच ट्रेडिंग कंपनी जो इंडिया में काम करती थी उसका एक एम्प्लॉय था ड्यूप्लिक्स ये भी मतलब वन ऑफ मतलब स्मार्ट आदमी है जीनियस आदमी है ठीक है ही वॉज द फर्स्ट वन जिसके दिमाग में ये आइडिया आया था कि इंडियन रूलर्स को यूरोपियन ट्रूप्स दिए जाए अगर उनको लड़ाई करनी है तो हमारे यूरोपियन ट्रूप्स लेके वो लड़ाई कर सकते हैं एंड लेटर ऑन द सेम थिंग वाज बेसिकली दिस वाज एक्सप्लॉयटेड बाय द द ब्रिटिशर्स इनटू रिंग फेंस पॉलिसी एंड देन इनटू द इन अलायंस सो दिस आइडिया ऑफ ऑफ एन इंडियन रूलर टेकिंग द हेल्प ऑफ यूरोपियन सोल्जर्स टू फाइट हिज बैटल्स आइडिया है ड्यूप्लिक्स का ये बात ध्यान रखना इसको वेल्सली ने सबसे ज्यादा यूज किया है बट दी जेनेसिस कम्स फ्रॉम द ड्यूप्लिक्स अब सबसे पहले ये फैक्ट के नाम पे याद रखिए अवध पहली स्टेट थी इंडिया की सबसे पहली स्टेट सत्रह में यह कौन सी है बैटल ऑफ बक्सर के बाद राइट बैटल ऑफ बक्सर जिससे बेसिकली जिसके अंदर शाह आलम टू नवाब ऑफ अवध एंड दी नवाब ऑफ बंगाल को डिफीट करती है ईस्ट इंडिया कंपनी राइट हेक्टर मनरो उस समय उसकी आर्मी का लीडर था अब इसके बाद जो नवाब ऑफ अवध थे उनको सबसे पहले ये प्रोटेक्शन सिस्टम

रीजनल पावर्स पे जहां जहां उनकी मर्जी होती थी वो वहां पे अपने ट्रूप्स को स्टेशन कर सकते थे सबसे पहले उनको ऑल ओवर इंडिया पोजीशन मिल गई आर्मी की आर्मी तो वॉर जीत जाती है स्ट्रेटजिक पोजिशन पोजीशन, स्ट्रेटिक पोजीशन पर अगर खड़ी हो दैट एक्चुअली फ्रेंड फ्रेंच को दूर रखा क्यों क्योंकि जिसके साथ भी सब्सिडरी अलायंस है वो दूसरे फॉरिन दूसरे यूरोपियंस को एम्प्लॉय नहीं कर सकता रादर इंटरनेशनल रिलेशन ही खत्म हो गए किसी और स्टेट के साथ रिलेशन रख ही नहीं सकता विदाउट द परमिशन ऑफ द ब्रिटिशर्स ब्रिटिशर्स तो फ्रेंच से रख ही नहीं सकते थे ठीक है

बिकमिंग बिग ब्रदर वर्ल्ड नाइनटीन एटी फोर यू नो एवरीथिंग इज अंडर कैमराज नाउ डेटा ट्रैकिंग एन ईच एंड ऑल सारी की सारी जो गवर्नमेंट्स होती है देख ले दिस इज ड्यू टू दिस इज फॉर द सिक्योरिटी इन दिस्ट्री इट हैज़ ऑलवेज बिन सीन जो भी काम सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए किया जाता है वो सिर्फ स्टेट कंट्रोल को बढ़ाता है एंड द इंडिपेंडेंस in this case of the indian rulers and in if we talk it of present uh, of individuals is basically restrained as much as the state can point for a different discussion of some other day coming to अफ ब्रिटिश रेजिडेंट तो रखा था इसीलिए था नजर रखने के लिए अब किसी के घर पर दूसरा आदमी रहता है तो वो थोड़े दिन में कहीं ना कहीं पे इंटरव्यून तो करता ही करता है नो डाउट्स अबाउट इट ब्रिटिश रेजिडेंट सारे के सारे वो वहाँ के राजा लोकल राजा प्रिंसेज क्या कर रहे हैं वो सारी इन्फॉर्मेशन ब्रिटिश स्टेट को देता रहता था सो so, ना उनके इंटरनल मैटर्स फ्री रहे ना उनके एक्सटर्नल मैटर्स फ्री रहे खुद की आर्मी वो मेनटेन कर नहीं सकते हैं अपने रेवेन्यू से ब्रिटिश आर्मी को फाइनेंस कर रहे हैं So, that situations. तो जितना जितना जो भी सब्सिडरी अलायंस के साथ थे इंडियन रूलर्स वीक होते जाते थे एंड रिस्पॉन्सिबल ऑल्सो फिगर कुछ हो नहीं सकताली इंपॉसिबल टू डिपोज दूलर एज दे वोटेक्टेड बाई द ब्रिटिशर्स अच्छा अब ब्रिटिशर्स अच्छा उनको आप कोई हटा भी नहीं सकता है। क्योंकि अगर कोई रूलर डेस्पोटिक बिहेव करने लगे तो यूजअली एक मास माप्राइजिंग या फिर जब पब्लिक में रिजेंटमेंट बढ़ जाती है तो उसको हटा भी, हटा भी भी दिया जाता था मेडिवल टाइम्स में बट नाउ दे कांट क्योंकि नाउ द ब्रिटिशर्स आर पावरफुल अब एप्लीकेशन सब्सिडरी अलायंस को जब हम सब्जेक्टिव uh, क्वेश्चंस में लिखेंगे या मेंस के क्वेश्चन में लिखेंगे तो वी कि सब्जेक्टिव सब्सिडरी अलायंस के चार स्टेजेस हैं फर्स्ट स्टेज सेकंड एंड द थर्ड एंड द द फोर्थ फर्स्ट स्टेज इज कंपनी ऑफर टू हेल्प अ फ्रेंडली इंडियन स्टेट विद दिस ट्रूप टू फाइट एनी वॉर

आप आपके पास आ, हम अपनी आर्मी दे देते हैं आपको अगर आपको कोई अटैक करेगा तो यू ऑलरेडी हैव आवर आर्मी सो दैट सीम्स लाइक अ गुड प्रोपोजिशन रूलर्स ले लिया हा, हां सही है, सही है, दोस्ती बनाओ अलायंस है मेरा और आपका आज के बाद दोस्ती बन चुकी है हमारी ये पीठ में छुरा भोगने वाले थे ब्रिटिशर्स देखो अभी कैसे दोस्ती के बाद धोखा कैसे देंगे सो so, दोस्ती मान लिया दूसरी स्टेज में इट कंसिस्टेड ऑफ मेकिंग अ कॉमन कॉज विद द इंडियन स्टेट मेड फ्रेंडली टेकिंग द फील्ड विद इट्स ओन सोल्जर्स एंड द स्टेट तो दूसरे वाले में जब हमने उनके साथ जब ब्रिटिशर्स ने अलायंस कर लिया स्टेट के साथ कि आपकी जब लड़ाई होगी तो हमसे सोल्जर ले लेना लाइक क्या कूल सीम्स लाइक अ गुड आइडिया देन कॉमन कोज तो जैसे निज़ाम ऑफ हैदराबाद है तो निजाम ऑफ हैदराबाद की प्रॉब्लम्स चल रही हैं माइसोर स्टेट के साथ तो निज़ाम हैदराबाद के अपने बोला निज़ाम ऑफ हैदराबाद को पीछे से सपोर्ट कर दिया कि टेक आवर सपोर्ट ओके और ये माइसोर वालों के साथ तो हमारी भी लड़ाई है दोनों मिलकर लड़ते हैं इनके साथ परफेक्ट आइडिया थर्ड में वैन इंडियन अलाई वॉज आस्क नॉट फॉर मैन बट फॉर मनी कंपनी प्रॉमिस दैट इट वुड रिक्रूट ट्रेन एंड मेंटेन अ फिक्स्ड नंबर ऑफ सोल्जर्स अंडर ब्रिटिश ऑफिसर फॉर यू स्टेट ऑल फॉर अ फिक्स्ड टर्म ऑफ मनी अब जैसे ही जो स्टेट होती थी इंडियन स्टेट उसको किसी और चीज की जरूरत पड़ती थी या और नए सोल्जर्स की जरूरत पड़ती थी तब ब्रिटिशर्स बोलते थे यू पे एस मनी आपको तो आदत पड़ गई या फ्री की आदत पड़ जाती है तो यू पे एस मनी वी विल मेंटेन सोल्जर्स फॉर यू इवन वी or probably i think we have the benefit of uh, hindsight but if you are paying for somebody else's army it is bound to end into kind of a disaster how the hell princes didn't see that they didn't Fourth stage money or the protection fee was fixed coffee high level per agar state pesanahidepatidi to basically territory company kufdepatidi तो धीरे धीरे कंपनी के भाई पहले मैं आपको हेल्प कर देता हूँ मेरे सोल्जर्स ले लो ले लो भाई अच्छा दोनों इससे लड़ लेते हैं इकट्ठे इकट्ठे इसको हरा देते हैं वॉर में इन्वॉल्व हो गए इनको और ज़रूरत पड़ेगी स्टेट्स होगी और सोल्जर चाहिए और सोल्जर चाहिए पैसे दे दीजिए हम आपके लिए सोल्जर्स ट्रेन करेंगे हम खुद मेंटेन करेंगे कर दो उसके बाद उसका प्राइस इतना हाई हो गया बोला कि अगर आप पैसे नहीं दे पा रहे पर्टिकुलर टेरिटरी दे दो कुछ टेरिटरी का इसका जो रेवेन्यू आएगा वो सारा हम रख लेंगे और हम आपके लिए आर्मी मेंटेन करेंगे जो स्मॉलर है, है उनके बारे में हमें नहीं सोचना है जानना नहीं है बट जो मेजर कौन कौन सी स्टेट्स हैं उनके बारे में ये नाम याद रखना है सारे के सारे निजाम ऑफ हैदराबाद मायसोर के रूल आफ्टर द डेथ ऑफ द टीपू सुल्तान नॉट बिफोर ओके रूलर ऑफ तंजोर अवध पेशवा राजा ऑफ बेरार सिंधियाज जोधपुर जयपुर मचेरी बुंदी एंड द रूलर ऑफ भरतपुर सब ने सो अठारह में आई थिंक हमने लेक्चर नंबर फोर में देखा था कि आफ्टर थर्ड एंग्लो मराठा वॉर स्टेट्स जो थी दे वर डोमिनेटेड बाय द सिंधियाज एंड द होलकर्स तो सिंधिया एंड होलकर डिफीट हो चुके 1888 में थर्ड एंग्लो मराठा वॉर के बाद उसके बाद राजपुताना स्टेट्स के पास इतनी पावर नहीं थी कि दे कुड असर्ट देयर इंडिपेंडेंस अगेन सो दे इजीली गेव इन टू द ब्रिटिश पैरामाउंस उन्होंने नॉर्मली आराम से ब्रिटिश पैरामाउंस एक्सेप्ट कर ली सब्सिडरी अलायंस के होलकर्स वॉर दी लास्ट मराठा कॉन्फेडरेशन टू एक्सेप्ट दी सबसिडरी अलायंस इन 1818 तो ये इट्स जस्ट एन ऑब्जेक्टिव डेटा फैक्ट जो कि हमें याद करना है कि कौन कौन से uh, जो ब्रिटिश uh, जो इंडियन रीजनल प्रिंसेज थे उनमें से किस किसने सब्सिडरी अलायंस साइन किया था दिस यू प्रवली नो डॉक्टर ऑफ लैप्स रानी लक्ष्मी बाई वाला रानी लक्ष्मी बाई ने क्यों रिबेल किया था ड्यू टू दैट सिंपल है डॉक्टर ऑफ लैप्स इज एब्सोल्यूटली सिंपल डॉक्टर सेट की अडोप्टेड सन जो होता है अगर कोई बच्चा गोद लिया हुआ है और खुद का बच्चा नहीं है तो वो पिता की प्राइवेट प्रॉपर्टी का तो एयर हो सकता है वो तो ले सकता है प्राइवेट प्रॉपर्टी बट स्टेट नहीं ले सकता

कि हिंदू लॉ ये कहता है कि पिता की संपत्ति पुत्र के पास जाएगी लेकिन संपत्ति है दो प्रकार की एक तो प्राइवेट संपत्ति और एक बेसिकली स्टेट कि मैं यहां का राजा उसमें सब कुछ आपका नहीं है बट आप उसको रूल कर रहे हो सो so, अगर बायोलॉजिकल सन है तो वो दोनों की दोनों पासेबल है ठीक है बायोलॉजिकल सन है तो पिता की जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है वो तो पुत्र की होगी होगी साथ ही साथ जो राजा का जो क्लेम है जो उसका रूल का जो क्लेम है पूरी की पूरी स्टेट का द राइट ऑफ द स्टेट ऑल्सो कैन बी ट्रांसफर टू दन हावेवर इट के नॉट बी डन इन दी अडोप्टेड केस अगर पुत्र गोद लिया गया है अडॉप्टेड है तो वो सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट प्रॉपर्टी का एयर हो सकता है वो स्टेट का एयर नहीं हो सकता है सो so, हेंस ऐसी सिचुएशन में जो सबसे बड़ी पावर है देश की पैरामाउंट पावर जो है वो डिसाइड करेगी कि स्टेट किसको देनी है अडॉप्टेड सन को या फिर बेसिकली उसको अनेक्स कर लिया जाए दिस इज दिचुएशन नाउ यू अंडरस्टैंड सो एट द टाइम ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में पूरा का पूरा इंडिया आ चुका है ठीक है एंड देर आर सर्टन स्टेट्स जो कि उनके साथ क्या सारी की सारी बाकी जो बची हुई स्टेट्स है उनके साथ कर दिया है तो ये स्टेट्स में जब भी कोई राजा बिना किसी एयर के मर जाता था ब्रिटिशर्स बोलते थे कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप सप्लाई होगा देर कैन नॉट बी एनी अदर रूलर वी हैव टू अनेक्स्ट दिसमिनिस्ट्रटेड डॉक्टर इन वो स्टेटेड टू बी बेस्ड ऑन द हिंदू लॉ एंड इंडियन कस्टम्स बट हिंदू लॉ इसमें बेसिकली इनकलूजिव मतलब इट वॉज कंफ्यूजिंग लॉज जो होते हैं पुराने जो टेक्स्ट होते हैं देर कंफ्यूजिंग है तो ऐसा हिस्ट्री में एटलीस्ट प्री 1800 हंड्रेड हिस्ट्री में ऐसा कुछ लग ऐसा कुछ था नहीं कि वंस दी सम काइंड ऑफ ए गवर्नर और वसाल अगर मर जाता है और बिना उसका कोई सन ना हो तो जो किंग होगा उसकी प्रॉपर्टी को हड़प लेगा ऐसा एग्जिस्टेंस नहीं करता ऐसे कुछ इवेंट्स थे नहीं एक आधा भी होगा तो रेयर थे बट ब्रिटिशर्स को लगा कि नहीं ये हिंदू लॉ ऐसी कहता है महाराजा रंजीत सिंह ने उस समय पंजाब के जो राजा थे उन्होंने कुछ प्रिंसिपैलिटीज को जो मिसल थे ना फ्यूडेटरी मिसल्स थे उनको अनेक्स किया था इसी लैप्स के बेसिस पर

उनसे पहले भी प्रिड्यूसर्स जो थे वो एक जनरल प्रिंसिपल फॉलो करते थे कि अगर अनेक्सेशन अवॉइड हो सकता है तो कर दो सब्सिडरी अलायंस को प्रेफर किया जाता था कि अनेक्सेशन वॉर करके अनेक्स करना जरूरी नहीं है सब्सिडरी अलायंस है तो आई थिंक वी आर ओके विद दैट डल हाउस वॉज ए कॉलोनियल एक्सपेंशनिस्ट उसका माइंड सेट ही एक्सपेंशन का था तो वो जैसे पंजाब स्टेट उसको बहाना मिल गया सेकेंड एंग्लो सिख वॉर में कि अब अनेक्स कर दो इसको तो उसको मौका मिल गया तो उसने अनेक्स कर डाली कोहिनूर डायमंड उसने एंग्लो सिख वॉर में ही लूटा था So, ये इस इन, इस डलहाउजी को जैसी ऑफ लैप्स मिला तो ये पीछे पड़ गया डलहाउजी इन टर्न एक्टेड ऑन द जनरल प्रिंसिपल ऑफ प्रिंसिपलिंग इफ ही कुड डू इट लेजिटिमेटली तो इसको जैसे ही एक्सक्यूज मिलता था अनैक्सेशन का ही वुड डू इट ये फैक्ट याद करना ये प्री में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आएगा सात स्टेट थी जिसको डॉक्टर ऑफ लैप्स पॉलिसी में डलहाउजी ने अनेक्स किया था सतारा जैतापुर बागत उदयपुर झांसी नागपुर टोरे एंड आरकट। यू हैव टू रिमेंबर इट नो मैटर वर्ट अगर इसको कर लोगे तो हेल्पफुल है ये आएगा आएगा कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में कौन कौन सी स्टेट अनेक्स की गई थी और इन सातों के बाद एक और है आठवीं 1856 में अवध अवध को भी नवाब वाजिद अली शाह थे वो मिस गवर्नमेंट कर रहे थे उसके बेसिस पे डल हाउसी ने उसको भी अनेक्स कर दिया था एज द गवर्नर जनरल आठ साल तक गवर्नर जनरल था डल हाउजी मोर देन अ क्वार्टर वन बाय फोर्थ ऑफ द ब्रिटिश टेरिटरी जो थी उस समय इंडियन सब कॉन्टिनेंट की टेरिटरी जो थी वो बेसिकली डल हाउजी ने अनेक्स की थी बॉय दैट वॉज अ गवर्नर जनरल ठीक है सो डल हाउजी जब अठारह में गवर्नर जनरल की अपनी पोजिशन छोड़ के जाता है एट दैट पॉइंट वो प्रोसेस जो कि बैटल ऑफ प्लासी सत्रह में स्टार्ट हुआ था ब्रिटिश रूल का वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका था दे हैड फुल इंडिया अंडर देयर कंट्रोल इन अप्रोक्सीमेटली एटीन हंड्रेड फिफ्टी सिक्साइज डॉक्ट्रीन ऑफ लैप से क्या होता था स्टेट्स अपनी सॉवरिनिटी तो ऑब्वियसली लूज करते थे ब्रिटिश टेरिटरी बन जाते थे अब इंडियन प्रिंसेज इस बात से खुश नहीं थे क्योंकि जो एडॉप्टेड प्रिंस है या फिर उसकी पूरी की पूरी फैमिली है काइंड ऑफ है देखो अगर वॉर से annex, annex किया होता है ना तो उस समय जो भी आ, आ, प्रिंस होते हैं या तो उनको मार दिया जाता है या उनसे ट्रीटी सो so so kind of yes, वो रिजेंटमेंट बचती है आर डूइंग समथिंग इलेजिटीमेट तो जिस भी स्टेट को अवध हो गया या फिर झांसी हो गया जिस भी स्टेट को डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स से लैप्स के द्वारा एनेक्स किया गया था उसके अंदर प्रिंसेस और पॉपुलेशन के बीच में एक जनरल रिजेंटमेंट एक अनरेस्ट बना रहा ये बात ध्यान रखिए पीपल वर अनहैप्पी विद दिस इलीगल नेचर ऑफ दिस डॉक्ट्रिन और इसी की वजह से अट्ठारह का रिवोल्ट भी हुआ था जस्ट इमेजिन सत्रह में बैटल ऑफ प्लासी उससे लेके अट्ठारह के बीच में एटीन तक ले लेते हैं एटीन तक कोई ऐसा मेजर देर वर सर्टन रिवोल्ट ऑब्वियसली पेजेंट्स और फार्मर रिवोल्ट रहे हैं बट इतना मेजर रिवोल्ट नहीं होता वाई डिड इट हैपन इन इफ यू थिंक सो का जो रिवोल्ट था वो प्राइमरली डल हाउस की पॉलिसीज की वजह से हुआ था क्यों क्योंकि अट्ठारह सो पचास से पहले जो भी गवर्नर जनरल थे वो पॉलिसी ये फॉलो करते थे कि अगर एनेक्सेशन अवॉइड की जा सकती है तो कर दो पैक्ट uh, बना लो रिंग फेंस पॉलिसी फॉलो कर लो डल इज द फर्स्ट पर्सन जो कि अठारह सो अड़तालीस में आता है और यह एक्सपेंशनिस्ट है इसको बहाना चाहिए एक्सपेंशन करने का सो एंग्लो सेकेंड एंग्लो ऑफ सिख वॉर जो है पंजाब का पूरा का पूरा जो एरिया है एनेक्स कैसे किया गया क्योंकि ही इज एन एक्सपेंशनिस्ट एंड देन फॉर द नेक्स्ट एट ईयर पॉलिसी ऑफ डॉक्टर जहां मौका मिलता है वहां पर किसी प्रकार से अब अगेन वॉर से जब एनेक्सेशन होती है इट इज ए लीगल एंड लेजिटिमेट इट्स ए वॉर वी हैव वन यू हैव साइन ए ट्रीटी इट्स काइंड ऑफ ए लेजिटिमेट तो उसके बारे में रिवोल्ट कोई नहीं करता है हमें डॉक्टरीन ऑफ लैप से जब एनेक्सेशन होती है ऑल द प्रिंस द होल कोर्ट के बीच में रिजेंटमेंट रहती है और पब्लिक के बीच में भी इन जनरल इंटरेस्ट रहता है बिकॉज दे आर लाइक ये सडनली क्यों हुआ वाई डेड इट सडनली हैपन दैट so वाज वो जो सात आठ साल में जो वो रिजेंटमेंट बिल्ड हो रही थी वो स्पेसिफिकली वी कैन रीजन फॉर द रिवोल्ट एंड मोर इंपॉर्टेंटली अगर आप अब नोटिस करोगे स्मार्ट करना दीज आर एरियाज जो कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स से इफेक्टेड थे जहां पर प्राइमरली रिवोल्ट हुआ एटीन फिफ्टी सेवन का अवध में झांसी में नाना साहिब झांसी ऑफ रानी अब इनके ग्रीवांज थे इसी वजह से ब्रिटिशर्स से यही ग्रीवांज थे कि भाई स्पेसिफिकली जो झांसी किसी की, जा, की रानी का जो अडॉप्टिड सन था उसको बेसिकली थ्रोन नहीं दिया गया अंडर दी एक्सक्यूज कि भाई ऑफ लैप्स चल रहा है डलहाउस रिटर्न टू ब्रिटेन इन 1856 फिफ्टी सिक्स ऑब्वियसली अठारह में वापस चले गए थे और एक साल के बाद बाद सो में रिवोल्ट ब्रेक डाउन करता है एंड ही वॉज ब्लेम्ड वॉज वाइडली क्रिटिसाइज्ड बिकॉज की वो रिबिलियन को ना तो एंटिसिपेट कर पाया ना उसको रोक पाया एंड राधर उसकी जो पॉलिसीज थी वो प्रॉब्बली का वो आर द रीजन फॉर काइंड ऑफ सो दीज आर दी थ्री एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज यू है जो की ब्रिटिशर्स ने फॉलो की अपने रूल को एक्सपेंड करने के लिए स्पेक्ट्रम की जब आप बुक खोलोगे तो उस बुक के हर एक चैप्टर के बीच में वो समरी है आई विल गिव यू इंस्ट्रक्शन आई डोट नो हाउ मच यू विल फॉलो और नॉट अगर आप उस समरी का रट्टा लगा लेते हो एंड यू हैव टू रट्टा लगा लेते हो मतलब लगाना है समरी का स्पेक्ट्रम के हर चैप्टर के बाद में ऐसी समरी दी हुई है ओके ऑल दी समरी दी हुई है अगर इस समरी का रट्टा लगा लेते हो 50% परसेंट ऑफ द मॉडर्न हिस्ट्री इज डन बिलीव मी इट्स नॉट एन एग्ज्रेशन यू विल बी एबल टू सॉल्व अ लॉट नंबर ऑफ क्वेश्चन सोल्ली अगर इस बात को पूरा का पूरा पूरा रट्टा लगा हुआ हो तो मतलब ब्यूटिफुली रट्टा होना चाहिए

18, 1757 इज द बिगनिंग ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया तो प्लासी बैटल प्लासी बैटल ऑफ है तो वो नवाब ऑफ बंगाल के साथ हुई थी तो अब वो प्रोसेस डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं बैटल ऑफ प्लासी बैटल ऑफ बक्सर और बैटल ऑफ बक्सर एंड होती है ट्रीटी ऑफ अलाहाबाद में ठीक है ट्रीटी ऑफ अलाहाबाद के साथ साथ दो ट्रीटी ऑफ अलाहाबाद हुई थी एक अवाद, एक नवाब ऑफ अवध के साथ एक मुगल एम्प्र के साथ दैट इज इट और फिर बंगाल में क्या डूएल गवर्नमेंट बनती है देन द ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ माइसोर एक दो तीन चार चार एंग्लो मैस वार हुई हैं चारों की चारों डिस्कस की हुई हैं हर वॉर के साथ कौन कौन सी ट्रीटी होती है एंड ऑब्वियसली क्रोनोलॉजी टाइमिंग्स ऑफ द वॉर यू हैव टू नो एंड देन एंग्लो मराठा वॉर फर्स्ट एंड देन हर एक के साथ कौन कौन सी ट्रीटी है सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर थर्ड एंग्लो मराठा वॉर मराठा क्योंकि बहुत बड़ा एम्पायर था एंड दे वुड हैव दे आर दी वन हु आर द रीजन्स फॉर द वीकनिंग ऑफ द मुगल एम्पायर दे वुड हैव बिकम दैन इंडिया पावर बट दिन तो इनके बारे में जरूर क्वेश्चन आता है कि क्या रीजन था मराठा की डिफीट का एक सेपरेट क्वेश्चन नॉट इन दी माइसोर नॉट इन दी नवाब बंगाल बट फॉर द ये क्वेश्चन वैलिड है दो सम्जाम्पल दिए हुए कॉन्क्वेस्ट ऑफ सिंध कॉन्क्वेस्ट ऑफ पंजाब ठीक है ट्रीटी ऑफ अमृतसर फर्स्ट एंग्लो सेकंड एंग्लो एंड देन देर आर ऑब्वियसली दीज थ्री एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज एंड आपको जो ये रट्टा लगाना है कि डॉक्टरिन ऑफ लैप किस किस को किया गया है डॉक्टर इन सॉरी सब्सिडरी अलायंस के अंडर कौन कौन सी स्टेट आती थी इट वुड बी एडवाइजेबल इफ यू कैन एक्चुअली ओपन अ मैप ऑफ एटीन एंड सेवनटीन और इन स्पेसिफिक कुछ तो याद ही होंगी जोधपुर जयपुर आप इनको देख के ही पहचान उदयपुर नागपुर झांसी अवध ये तो देखते ही पहचान लोगे बट देन देर आर सर्टेन जो कि याद नहीं है आपको तंजोर कौन सा होता है राइट right? भोंसलेज कहां कहां पर राज करते थे सिंधियाज का कौन कौन सा एरिया था यू हैव टू बुंदी भरतपुर कहां कहां पे ये सारे के सारे एरिया को मैप में पॉइंट आउट करो सिर्फ और सिर्फ ये समरी याद कर लेना वुड गिव यू अ लॉड ऑफ माइलेज इन डूइंग द क्वेश्चन एंड आंसर्स सो जस्ट डोंट फॉरगेट ये करना जरूरी है दिस इज द एंड ऑफ द लेक्चर एंड बिफोर वी गो आई जस्ट वॉन्ट रिमाइंड यू अबाउट द लाइफ फाउंडेशन कोर्स अगर 2023 हजार तेईस का प्रिलिम्स एक्चुअली में क्लियर करना चाहते हो डोंट डोंट इफ यू टू टेक चांसिस और समथिंग करना है कि हाँ सर वी हैव टू डू इट नाउ स्टडी आईक्यू लाइफ फाउंडेशन बैच आपको हेल्पफुल मिलेगा इट विल कलबस करेंगे इट इज अग बैच ओके बैच यूज द कोड अमित कोड अमित ना ऑन द कोड एट बी अमित लाइफ नाउ द प्रोसेस इज ऑब्वियसली वेरी सिंपल जैसे ही आप स्टडी आईक्यू की वेबसाइट पे जाते हैं यू कैन गो टू द कोर्सेज आप कोर्सेज में जाएंगे यूपीएससी आपका एग्जाम की कैटेगरी है यू गो टू जनरल स्टडीज एंड अगर आपका इंटरनेट चल रहा होगा तो यू विल बी एबल टू फाइंड द कोर्सेज नाउ यू गो टू द मॉर्निंग बैच एंड यू सी एडमिशन्स लेने के लिए आपको यहाँ पे बाय नाउ करना पड़ेगा यू बाय नाउ इंस्टेड ऑफ द प्रोमो कोड यू अपलाई फॉर द प्रोमो कोड लाइक अमित लाइव अच्छा ये देखो ये वाला जो लाइव या लाइव बैच टू लगाओगे सो दिस विल गिव यू अ डिस्काउंट ऑफ फोर थाउजेंड सो इट वॉन्ट बी एक्चुअली एज मच बट अगर अमित लाइव यूज करोगे अप्लाई करो द डिस्काउंट इज बेसिकली फॉर सिक्सटी फाइव हंड्रेड रुपीज सो एटीन थाउजेंड नाइन हंड्रेड नाइन्टी नाइन देन यू डू दी बाई नाउ सो दिस इज अ सिंपल प्रोसेस ऑफ ज्वाइनिंग द बैच दिस विल कवर एवरी स्लेब एवरी सब्जेक्ट ऑफ यूर्स एंड मोर इम्पॉर्टेंटली लाइव क्लासेज है फैकल्टी से बातचीत होंगी वन ऑन वन मेंटरशिप होंगे आपके जिनको आप फोन कर सकते हो किसी भी समय कोई भी प्रॉब्लम एरर हैड एक है तो यू कैन ईजिल सोल्व द गाइडेंस वुड भी अवेलेबल फॉर द होल ईयर दैट इज वॉट द कीज़ सो आईल सी यू इन द लाइव फाउंडेशन बैच आई होप सो एंड बियॉन्ड दैट अगर स्पेक्ट्रम सीरीज के पी डी एफ चाहिए सो तो इस टेलीग्राम चैनल के ऊपर है नोटिफिकेशन आने वाली क्लासेज के भी यहीं पर मिलेंगे एंड इफ एनी अदर क्वेश्चन आई एम अवेलेबल ऑन दिस इंस्टाग्राम हैंडल टिल नेक्स्ट टाइम Have a very nice day. Study IQ is. Abtayari hui affordable.